जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी। मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। सो गाइस फाइनली आजाद खान ने माफी मांग ली है। जी हाँ, आजाद खान अपने वीडियो में बहुत ही ज्यादा गाली वगैरह देते हैं, तो उन्होंने इस चीज को लेकर के अपने वीडियो में माफी मांग ली है और उन्होंने कहा कि उनके रिप्लाई देने की वजह से सामने वाले बंदे को फेम मिल जाता है और वो बंदा फेमस हो जाता है। और आजाद खान का कहना है कि मेरी वीडियो को औरतें, बूढ़े और बच्चे भी देखते हैं, तो अब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा और गाली भी नहीं दूंगा। क्या है, मैंने कभी जिंदगी में पहले गाली गलौज नहीं किया, एक दो बार किया होगा कभी। औरतें, बूढ़े, बच्चे भी अपना वीडियो देखते। अभी इन लोग की तरह थोड़ी भिखारी लोग की जरा कोई फाइन ही नहीं इन लोग के। अपने को तो औरतें, बच्चे, बूढ़े सब पसंद करते हैं ना, फैमिली पसंद करती है। और मैं वो फैमिलियों से, वो औरतों से, वो बच्चों से, वो बूढ़ों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से, जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी। मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कुत्तों को समझाने का तरीका वही था, सॉरी मुझे माफ कर देना। यारो, ये मेरा लास्ट वीडियो है कंट्रोवर्सी पे। मेरे को गाली गलौच नहीं करना है, मेरे को सीधा इनके पिछवाड़े में दम है तो धूपे धूप लड़ लेना है। बाकी मेरे को इन लोग को फेमस नहीं करना है और ना इन लोग के साथ कोई रिश्ता रखने का अपने को। तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, इफ दे आर बैड आई एम देयर डैड। हाँ, उन लोगों का बाप हूं मैं। लेकिन अभी बस अपन लोग ये गाली गलौज ये सब वो पब्लिकली नहीं, अकेले में उनको दिखा देंगे कौन किसका बाप है क्या है। बाकी सारे कुत्तों को भोंकने दो, तुम्हारे भाई का ये लास्ट वीडियो इस पे। बाकी इन लोग को लेंगे और दिखाएंगे। लव यू यारो, अभी गाली गलौज नहीं यार। अब आजाद खान को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना।